सिद्धू मूसेवाला पंजाब के इकलौते ऐसे कलाकार थे जो इतने कामयाब हो जाने के बाद भी अपने पिंड अपने मूसा में आम आदमी की तरह रहते थे। सिद्धू मूसेवाला अपने आसपास के लोगों को कभी ये नहीं महसूस होने देते थे कि वो कोई बहुत बड़े सितारे हैं। जहां बड़े बड़े सिंगर्स के घर कनाडा और यूएसए में होते हैं, वहीं सिद्धू मूसेवाला ने चंडीगढ़ तक में कोठी नहीं ली थी। सिद्धू ने अपने पिंड में ही अपने और अपने माता पिता के लिए एक हवेली बनवाई थी। वहीं सिद्धू मूसेवाला पिंड की भलाई के लिए बहुत से काम भी करते रहते थे। 2018 में सिद्धू मूसेवाला ने अपनी दादी को समर्पित करते हुए एक कैंसर कैंप लगवाया था, क्योंकि पिंड में कैंसर से कुछ मौतें हो रही थी, तो इसी के चलते सिद्धू ने पहले 2018 में कैंसर कैंप लगवाया और फिर 2018 में जो कैंप लगा था उसमें 1000 से ज्यादा लोग अपना चेकअप कराने आए थे, जिसमें से 6 लोगों में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और बाद में उसी चैरिटी ने उन 6 लोगों का मुफ्त इलाज भी करवाया। सिर्फ कैंसर कैंप्स ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला ने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए थे। साथ ही साथ सिद्धू पिंड की सेवा का कोई काम नहीं छोड़ते थे। सिद्धू मूसेवाला का कहना था, जब अपने पिंड के लिए काम करता हूं तो मुझे संतुष्टि होती है। इतना ही नहीं, इन कैंप में आए लोगों के साथ सिद्धू मूसेवाला बड़े ही पेशेंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते। तभी तो सिद्धू को अंतिम विदाई देने पूरा पिंड नहीं बल्कि पूरा पंजाब उमड़ कर आ गया था। फाइनल कॉट, न्यूज़ डेस्क।